चैप्टर टेन ग्रेविटेशन क्लास नाइन्थ स्टार्ट करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज वैन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ क्वेश्चन में कहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें क्या चेंज आएगा अगर उसके बीच के उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट एम वन ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट एम टू इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर का डिस्टेंस वो हमने डी ले लिया ठीक है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है जी जी क्या शो करता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ठीक है जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यह होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अब अगर d को जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए तो f में क्या चेंज आएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा हमें ये बताना है तो इफ़ डिस्टेंस इज़ हाफ अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा पहले डी था ना तो अब हो जाएगा डी बाई टू ठीक है तो अब नई फोर्स क्या हो जाएगी तो न्यू फोर्स को हम लिखेंगे एफ एफ के नीचे यहाँ पे एन लिख दो इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू और अब डी क्या लेंगे हम डी बाई टू और डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर ये हो जाएगा तो एफ एन इज़ इक्वल टू अब मैं इसको पूरा ड्राइव करके दिखाऊंगी आपको फिर ये आंसर बताऊंगी जी एम वन एम टू डी अपॉइन टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉइन फोर ठीक है तो एफ एन यानि कि न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी एम वन एम टू इसको हमें इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है ठीक है डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर अपॉन फोर तो हम लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू जी एम वन एम टू मल्टीप्लाई फोर अपॉन डी स्क्वायर ठीक है ये डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर अपॉन फोर है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और इस फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल प्रोकल फोर अपॉन डी स्क्वायर तो न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं एफ यह हमारा एफ़ है ना तो इस इसको हमने सब्सिट्यूट कर दिया एफ से एफ़ क्या थी जो हमारी पहले फोर्स थी मल्टीप्लाई फोर तो न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी हो गई जो पहले फोर्स थी उसकी फोर टाइम्स हो गई फोर एफ ठीक है तो हमारा जो आंसर है वो ये है वैन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ देन द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम फोर टाइम्स अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम हाफ़ कर दें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो फोर टाइम्स हो जाएगी फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी सेकेंड क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके जो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस के वायर देन हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट तो फिर एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में पहले क्यों नहीं गिरता ठीक है नीचे आने की स्पीड जो स्पीड है उसकी ज़्यादा क्यों नहीं होती लाइट और ऑब्जेक्ट की कंपेयर में तो आंसर है वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ इट फॉल्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो इसलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता ठीक है सिंस द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट देर फॉर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास द हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट विल फॉल एट द सेम स्पीड चाहे ऑब्जेक्ट हल्का है चाहे भारी है वो सेम स्पीड के साथ ही गिरते हैं थर्ड क्वेश्चन वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए वन के जी ऑब्जेक्ट ऑन इट सर्फेस हमें निकालनी है फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है वन के जी और वो रखा है अर्थ के सरफेस पर इनके बीच में तो देखो ये हो गई अर्थ अर्थ के ऊपर यहाँ पे ये रखा है एक ऑब्जेक्ट तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये हमें फाइंड करना है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर जी है हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई टेन रिज टू द पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होती है मास ऑफ अर्थ सिक्स मल्टीप्लाई टेन रिज टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी जो मास हैं दोनों ऑब्जेक्ट के, के जी में होने चाहिए और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास दिया है वो हमें दे रखा है वन वन के जी और अब जो ये ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है तो उसका और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा हमेशा जो रेडियस है अर्थ का उतना ठीक है अर्थ के रेडियस के इक्वल तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज आर और आर हमें गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन इज टू द पावर सिक्स मीटर तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए मास के में होना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख ली अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स तो g की वैल्यू हम ये रखेंगे ये कांस्टेंट होती है सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड टेन रिज टू द पावर माइनस इलेवन कैपिटल एम में मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है सिक्स मल्टीप्लाइड टेन रिज टू द पावर ट्वेंटी फोर ठीक है स्मॉल एम में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो है वन के जी अपोन में डिस्टेंस डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस हमें गिवन है यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन डिज टू द पावर सिक्स डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए मीटर में ही है इसका स्क्वायर अब देखिए सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई सिक्स इन दोनों की पावर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है माइनस इलेवन प्लस ट्वेंटी फोर ये हो जाएगी थर्टीन ठीक है अब आ जाओ डिवाइड में अपॉन में सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर सिक्स इसका होल स्क्वायर है तो सिक्स पॉइंट फोर को मैंने टू टाइम्स लिखा किसी भी चीज़ का स्क्वायर है यानी कि उसको टू टाइम्स लिखेंगे और टेन रेस टू द पावर सिक्स को टू टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा ट्वेल्व बन जाएगा सिक्स टू जब ट्वेल्व ठीक है टेन रेज टू द पावर सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर सिक्स बेस सेम है तो पावर ऐड होके यहाँ पे ट्वेल्व बन गई ठीक है अब यहाँ पर डिवाइड में बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है माइनस अब हम साथ के साथ कैलकुलेट भी कर लेंगे सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई सिक्स करा तो ये हो गया फोर्टी पॉइंट टू और यहाँ पर ओनली टेन बचेगा ठीक है अपॉन में सिक्स पॉइंट फोर और सिक्स पॉइंट फोर की मल्टीप्लाई आई फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है अब फोर्टी पॉइंट टू की मल्टीप्लाई टेन से करी तो ये बन गया फोर जीरो टू डिवाइडेड बाई फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा नाइन पॉइंट एट न्यूटन ठीक है नाइन पॉइंट एट न्यूटन फोर जो है वो न्यूटन में कैलकुलेट होती है फोर्थ क्वेश्चन द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller, or the same as the force with which the Moon attracts the Earth? Why? अब पूछा है क्या जो Earth जिस फोर्स के साथ Moon को अट्रैक्ट करता है वो बड़ी होती है smaller छोटी होती है या same होती है उस फोर्स के उस फोर्स से जिस फोर्स के साथ मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्वेश्चन में बोला है कि अर्थ जिस फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स जो है ज़्यादा है कम है या सेम है उस फोर्स से जिस फोर्स के साथ मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और हमें इसका रीज़न भी बताना है तो देखो द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ तो अर्थ जो है मून को उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स के साथ मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है ठीक है इसका रीजन क्या है दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लो मोशन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में ठीक है सो वैन अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स देन द मून अट्रैक्ट द अर्थ विद एन इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स तो जब अर्थ जो है एक सटेन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट करता है तो सेम फोर्स के साथ मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है सेम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी लेकिन किस डायरेक्शन हो में होगी अपोजिट डायरेक्शन में फिफ्थ क्वेश्चन इफ द मून अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट दर्थ वाई नॉट मूव टूवर्ड मून अगर मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ जो है मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती तो रीजन है द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट द मून जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि मून अर्थ को उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है यानी कि दोनों में फोर्स जो है वो सेम है बट एज वी नो दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी पर जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन जो एक बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी के मास के द मास ऑफ द अर्थ इज़ मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून अब अर्थ का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है मून के कंपेयर में सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज सो स्मॉल मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा अर्थ में वो बहुत कम होगा इतना स्मॉल होगा दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इतना स्मॉल एक्सेलरेशन होगा कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते सिक्स क्वेश्चन वट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल पहले इतना करते हैं पूछा है कि फोर्स क्या हो जाएगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जाए तो हमारे पास फोर्स क्या होती है फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी जिसे कांस्टेंट कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइड में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ये होती है फोर्स अब एक ऑब्जेक्ट जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं एक का एक का मास है m1 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2 इनमें से एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल कर दिया तो हमने सपोज करो हमने m1 को डबल कर दिया तो ये हो जाएगा m2 तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू जी जी रहेगा m1 की जगह हम टू एम वन रखेंगे डबल कर दिया ना तो एम वन का डबल क्या हो जाएगा टू एम वन मल्टीप्लाई एम टू बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं है एज इट इज़ रख देंगे ठीक है तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू इस टू को आप बाहर निकाल लो सबसे आगे लिख लिया जी मल्टीप्लाई एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर ये क्या था हमारा ये एफ था हमारा पहले वाली फोर्स थी यानी इससे हमें क्या मिला न्यू फोर्स इज न्यू फोर्स कितनी हो गई ट्वाइज ऑफ ऑरिजिनल फोर्स जो पहले फोर्स थी उसकी डबल हो गई सो इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स ऑल्सो गेट डबल सेकेंड पार्ट में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा फोर्स में और अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी फोर्स तो पहले हम देखते हैं सेकेंड का ए पार्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल दैन द फोर्स बिटवीन देम बिकम वन फोर्थ तो फोर्स कितनी हो जाएगी वन फोर्थ हो जाएगी देखो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ठीक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम तो एफ पहले हमारे पास एफ क्या था जी एम वन एम टू अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट अब हमें डिस्टेंस को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है तो पहले d था तो डबल कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा ठीक है पहले कितना था d था तो अब डबल होने के बाद कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी g m1 वन मल्टीप्लाई एम टू अपॉन टू का होल स्क्वायर ठीक है पहले डिस्टेंस d था अब उसका डबल हो गया 2d तो fn एन इज इक्वल टू G m1 वन मल्टीप्लाई एम टू अपॉन फोर डी स्क्वायर ठीक है तो ये नई फोर्स जो है ये कितनी हो गई इसकी जगह ये पूरा जो है इसकी जगह हम क्या रखेंगे f रख देंगे इसकी वैल्यू f है तो f अपॉन फोर ठीक है तो फोर्स बिटवीन दैम बिकम वन फोर्थ तो ये कितनी हो गई वन फोर्थ हो गई इसी तरह से अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी बी पार्ट में यहीं लिख देती हूं इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल तो ट्रिपल करने के लिए आप यही करोगे यहां पे थ्री डी कर दोगे तो थ्री डी करने पर थ्री डी का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नाइन हो जाएगा इसलिए लिखेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स वन नाइन्थ ठीक है अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर देंगे तो यहां पे थ्री डी बन जाएगा थ्री डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन स्क्वायर तो यहाँ पे फोर की जगह नाइन आ जाएगा तो अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी वन नाइन्थ हो जाएगी अब देखते हैं लास्ट पार्ट द मास ऑफ उब, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो क्या होगा यह थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ मैं अब देखो फोर्स क्या थी जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर अब दोनों के मास को डबल कर दो तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी जी टू एम वन पहले वाले मास को हमने डबल कर दिया टू एम टू दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास को भी डबल कर दिया अपॉन डी स्क्वायर तो एफ एन इज़ इक्वल टू टू इंटू टू फोर ये एफ एन क्या है न्यू फोर्स ये फोर बाहर निकाल लिया मैंने बाकी जी मल्टीप्लाई एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर तो एफ एन इज इक्वल टू फोर एज इट इज रखा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास F तो फोर्स कितनी हो जाएगी फोर टाइम्स हो जाएगी ठीक है इफ़ द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल फिर लास्ट में स्टैंड यहाँ पे लिख देना मास द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिकम्स फोर टाइम्स तो फोर्स कितनी होगी फोर टाइम्स होगी